तो आज आपने डबल डेकर सीपीयू किया तो मैं ये आपने और सबसे जल्दी किया मेरे ख्याल से आपने प्रोसेस जल्दी की जल्दी पहले निकाल लिया। सबसे बड़ा थैंक यू तो दो इंसान लोगों को यहाँ देना चाहूंगा। एक मेरे साथ एक स्टूडेंट है अभय। कहाँ से आप सर? सर एमपी कटनी से। सर एमपी कटनी से। सो अभय आपकी उम्र कितनी है? सर 20 साल। 20 साल। आप जो आप एसर टेलीकॉम पहले भी ज्वाइन कर चुके थे? सॉफ्टवेयर क्लास मैंने की थी। कब की थी आपने? 2018 में की थी। 2018 में की थी। तो अब आपने वापस आए हैं, अभी आपका सॉफ्टवेयर अभय कैसा था? बहुत अच्छा सर। कटनी में क्या एक्सपीरियंस आपका? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है सर। आपने अपने पैसों से, क्योंकि आपकी तो शॉप नहीं थी, पर आप घर से काम करते थे ना? घर ही में नाम हो गया। आपने क्या क्या खरीद लिया था अपने पैसों से? मतलब आपने बताइए तो अपने बारे में। लैपटॉप था मेरे पास और यूएसबी डोंगल भी मैंने परचेज किया था अमेरिकन में। आपने बताया था आपने गाड़ी भी ली थी, है ना? तो 20 साल की उम्र में अपने पैसों से ये सब लेना, कोई मतलब मैं सोचता हूँ कि 20 साल की उम्र में तो पता ही नहीं होता है कि आदमी क्या करे। तो कि इतना कहाँ से आपके दिमाग में आया कि मैं इस फील्ड में जाऊँ और फील्ड में मैं आगे बढ़ूँ, बताइए। सर क्यों ऐसा लगता है कि किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाके बकायदा एक प्रोफेशनल ट्रेनर बनूं, ट्रेनिंग लूं सॉरी, और एक ट्रेनर से सीखूं ताकि अच्छा काम करूं? क्यों नहीं दुकान पे बैठ के सीख लिया यार? सर वहाँ जाके बैठता तो फिर इसलिए मुझे कभी नहीं आ पाता मैं। अच्छा, वो एक मतलब चार्जिंग कनेक्टर निकाल लो खड़ा, वो मोबाइल रिपेयरिंग होती ही नहीं है सर। मोबाइल रिपेयरिंग नहीं, उसको नहीं कहते सर। मेन ये रहता है कि आप चार्जिंग कनेक्टर चेंज कर दिए उसके बाद भी आपकी सप्लाई नहीं आ रही है, अपन को ट्रेसिंग करके उसको कैसे सॉल्व करना है, ये रहती है मोबाइल रिपेयरिंग। सही बात है। यस सर। तो जब तक आपको अपनी फील्ड के बारे में पूरा नॉलेज नहीं होगा तो मेरे को लगता नहीं है उसके में काम करना। तो एक तरह से ये है कि आग बंद करके पानी में कूद जाना बेवकूफी है सर। बेवकूफी है, इसलिए तो नुकसान होता है। और इसलिए नुकसान होता है तो लोग है ना फिर वीडियो बनाते हैं कि 200 रुपए नहीं मिलते, 300 रुपए नहीं मिलते। अब तुमको चार्जिंग कनेक्टर निकालते भी नहीं आएगा तो 200 रुपए देगा कोई? नहीं सर, सच में आता नहीं था। हार्डवेयर मैंने कभी किया ही नहीं था। आर्डर कभी नहीं किया था? कभी नहीं किया सर। आपने यहाँ पे कब आए थे आप? सर मैं आया हूँ ये 27 जुलाई को सर। 27 जुलाई। और आज क्या तारीख है? सर 24 अगस्त है और आज हमारी डबल डेकर की क्लास थी। क्लास थी। पहले दिन आपने क्या किया था? सर रिवॉल्विंग, रिवॉल्विंग की थी सर। आपने सबसे आखिरी में रिवॉल्विंग डन किया था, याद है? और मेरे को सर अपने ऊपर खुद भरोसा नहीं था कि मैं मतलब रिवॉल्विंग कर भी पाऊँ, रिवॉल्विंग कर पाए। तो आज आपने डबल डेकर सीपीयू किया सर, तो मैं ये आपने और सबसे जल्दी किया मेरे ख्याल से आपने प्रोसेस जल्दी की जल्दी पहले निकाल लिया। सबसे बड़ा थैंक यू तो दो इंसान लोगों को यहाँ देना चाहूंगा, एक सुनील भाई को जिन्होंने मेरे बाजू में बैठे थे, इन्होंने बहुत हेल्प किया मेरा। कैसे एज अ बी स्टूडेंट कैसे रहे और कैसे आदमी है? सर ये थोड़ा सा वीक था लेकिन सर मेहनत बहुत की है इस लड़के ने, तो सर बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत बढ़िया आउटपुट आया सर इस लड़के का। आप लोग दोस्त थे क्या पहले? नहीं सर, यही मिले थे ना। क्योंकि तुम तो राजस्थान से हो, मैं हरियाणा से हो और ये तो एमपी से हूं सर। तो और दूसरा थैंक्स इसको कहना चाहेंगे सर, सोहेल भैया को। सोहेल भैया को तो क्या, क्यों, रीज़न क्या है? सर मेरी मतलब रिवॉल्विंग में बहुत प्रॉब्लम जा रहा था तो उन्होंने आके मेरे को बहुत क्लियर किया था। बहुत क्लियर किया। यस सर। बाकी टीचरों में भी इन लोगों ने मतलब मेरे बहुत सपोर्ट किया सर। टीचरों का सपोर्ट कैसा है? सर टीचरों का सपोर्ट मतलब कोई वर्ड ही नहीं है सर इन लोगों के लिए, मतलब प्रॉपर नॉलेज दिया। यहाँ पर की बात, लोगों को नॉलेज है कि नहीं है? सर ए टू जेड नॉलेज। रिवोजन अग्रवाल को कितना नॉलेज है? सर उनके लिए मैं कोई वर्ड ही नहीं है सर, मतलब मोबाइल रिपेयरिंग की जड़ तक जो होती है ना जड़, उनको इस सर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब आप कैसा फील कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा सर, मतलब जो चीज़ के लिए आया था एमएमसी के लिए मैं मेन आया था जी, तो वो चीज़ मेरे को मिल चुकी है, क्लियर हो गई। UFI से चलाना आया? UFI से चलाया आपने सर। चलिए मैं लास्ट सवाल करूँगा, कटनी से नया स्टूडेंट क्यों, कटनी से कोई नया स्टूडेंट क्यों आया, रीजन? सर जिसको प्रॉपर मोबाइल रिपेयरिंग सीखनी है और प्रॉपर नॉलेज चाहिए, डीपली नॉलेज कंपोनेंट का, तो ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन करे, क्योंकि दुकान में बैठोगे तो वही झोला छाप रहा होगा। अबे आपसे एक और करूंगा क्योंकि आपसे मैं पर्सनली भी जुड़ा हूँ। यस सर। कि मुझे ये बताइए कि ऐसे टेलीकॉम के बारे में जो फेक वीडियो एक दो चलते हैं, जो लोग हमारे पास ना कभी आए ना हमको कभी जानते हैं, सिर्फ अपने रिव्यू चमकाने के लिए, मैं एक चीज बोलूंगा, बोलो भाई ये सब वीडियो डालने से अच्छा है कि कुछ काम की वीडियो डालो तो आगे बढ़ोगे लाइफ में, कोई तरक्की कर रहा तो उसको जलो मत, बराबरी करो। एशिया टेलीकॉम के द्वारा अपने स्टूडेंट्स को ये प्रॉमिस किया जाता है कि मोबाइल लाइन में कोई भी नई टेक्नोलॉजी या कोई भी नया टूल आएगा तो सबसे पहले उनके स्टूडेंट को इसके बारे में नॉलेज दी। सबसे बड़ी चीज कहूंगा बैक सपोर्ट, बैक सपोर्ट। जब मैं 2018 में आया था 2018 वाले बैच में, तब से सर ने मेरे को बहुत, उसके बाद भी सपोर्ट के छोड़ने के बाद भी थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम होती है बराबर सर ने मेरे को अपडेट दिया है, तो उनके लिए दिल से शुक्रिया है।
चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज तो अभी जस्ट डबल डेकर सीपीयू की अभी आपकी जल्दी है ट्रेन। आज आपने क्या किया आज के दिन? आज डबल डेकर सीपीयू कैसे डिबल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की। ये आपने की है, सारे स्टूडेंट ने की? सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ? सर डबल डेकर क्या है, मैंने ओपनिंग क्लीनिंग और रिबॉलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? हमने डबल डेकर किया था। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज से क्या करवाया है? डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन? सर डुअल डेकर। डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया? सर डुअल डेकर निकाल के फिर लगाया, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल। प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता? सर बिल्कुल मिलता है। आज आपने क्या किया? डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर। या आपने खुद किया खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने। और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? अच्छा ड्यूल सीपीयू। किस कौन सी तारीख को आए थे? सर हम 25 पर। क्या किया आज के दिन बताइए बस। सर हमने ड्यूल डेकर किया। सर ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ में इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट थैंक यू दोस्तों। थैंक यू।